आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आप लोगों ने कई बार मुझसे एक सवाल पूछा कि अगर पॉक्सो का मामला लगा हुआ है, आरोपी पक्ष और पीड़िता पक्ष में समझौता हो जाता है तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी, कोर्ट में फिर गवाहों को किस तरह से बयान देना पड़ता है। तो इसी संदर्भ में आपसे आज मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा और आपको विस्तार से बताऊंगा कि गवाहों को कोर्ट में क्या बोलना चाहिए, क्या बोलना होता है जिसके आधार पर कोर्ट आरोपी को बरी कर देती है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कई मामलों में डीएनए टेस्ट मैच हो जाता है, तो डीएनए टेस्ट मैच होने के बावजूद भी कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहां की आरोपी को बरी कर दिया जाता है। तो साथियों, आज मैं आपसे जिस कहानी की चर्चा कर रहा हूं, ये एक गुना जिले का केस है, मध्य प्रदेश का है। तो इस केस में कुछ ऐसा हुआ था कि लड़की के परिवार वालों ने FIR दर्ज करवाई पुलिस थाने में कि कल रात से उनकी बेटी गायब है। उसके बाद पुलिस ने धारा 363 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया। 363 क्यों? वो इसलिए क्योंकि लड़की नाबालिग थी और उसके माता पिता के संरक्षण से बिना कोई उनको सूचना दिए कोई व्यक्ति उनकी पुत्री को वहां से ले गया, इसलिए 363 का मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद पुलिस ने जब इस मामले की जांच किया, तफ्तीश किया, तो पुलिस ने को लगभग एक हफ्ते बाद वो लड़की मिली। अब जब पुलिस ने जब उस लड़की से पूछताछ किया, आरोपी से पूछताछ किया, तो एक नई कहानी निकल कर करके सामने आई, जिसमें ऐसा बताया गया कि रात के लगभग 12 बजे के आसपास जो पीड़िता है उसने खुद आरोपी को फ़ोन किया था और उसने कहा था कि इन दोनों का कहीं पहले से प्लान था चलने का, तो ये दोनों पहले बाइक से बैठे कहीं दूसरी जगह गए, वहाँ उसके बाद ये लोग ट्रेन से बैठ करके चले गए पीथमपुर, वहाँ लगभग ये एक हफ्ते तक रुके थे, जिसके बाद लड़की को वहीं से बरामद किया गया। अब इसके बाद जब FIR दर्ज हो गई थी, उसके बाद जब ये लड़की मिली, उसके 161 के स्टेटमेंट हुए, 164 के स्टेटमेंट हुए। 161 के स्टेटमेंट में लड़की ने यह बोला कि मुझे नहीं पता मैं किसके साथ गई थी, मैं तो अपनी नानी के यहाँ गई थी और मैं एक हफ्ते लगभग अपनी नानी के यहाँ ही रही थी। अब आप देखिएगा किस तरह से बयान बदले जाते हैं। 164 में भी लड़की ने कहा कि मैं आरोपी को नहीं जानती हूँ, मैं तो अपनी नानी के यहाँ गई थी और नानी के यहाँ जब थी तो मेरे माता पिता परेशान थे, उन्होंने मुझसे फ़ोन में बात किया तो मैंने बताया मैं नानी के यहाँ हूँ, ऐसा करके कहानी बदली गई। इसके बाद चार्जशीट पेश हो गई, हुई चार्जशीट में आरोपी के खिलाफ जो धाराएँ लगाई गई वो 376, 366, 363 पॉक्सो एक्ट लग गया, धारा 5 और 6। उसकी वजह क्या थी कि लड़की नाबालिग थी। अब जब भी पॉक्सो एक्ट के मामले में कोर्ट फैसला डिसाइड करती है तो सबसे पहला काम कोर्ट का होता है कि ये स्क्रूटनी करना कि लड़की नाबालिग है, इसका क्या एविडेंस है कोर्ट के पास। तो कोर्ट ने सबसे पहले जब उस लड़की के स्टेटमेंट देखा तो लड़की ने जब 161 के स्टेटमेंट दिया तो उसमें लड़की ने कहा था कि मेरी उम्र 17 साल है। 164 के स्टेटमेंट दिया मजिस्ट्रेट के समक्ष तो उसने कहा मेरी उम्र 18 साल है, और जब कोर्ट में उसने जब गवाही दिया तो उसने कहा कि मेरी उम्र लगभग 20 साल है। लड़की के पिता से जब सवाल जवाब किया गया तो लड़की के पिता ने कहा, लड़की के पिता ने जब FIR दर्ज हुई थी उसमें कहा था कि उनकी लड़की नाबालिग है, लेकिन अभी बाद में उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि उनकी लड़की 18 साल से कम है या 18 साल से ज़्यादा है। माता से सवाल पूछा गया, उनकी माता ने कहा कि मुझे जानकारी नहीं है कि मेरी लड़की कितने साल की है। तो आप देखिएगा पीड़िता, उसकी माँ, उसके पिता, तीनों ने उसकी एज के संदर्भ में कोर्ट में जब गवाही हुई तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दिए। इसके बाद जब आपको पता होगा कि लड़की की एज मापने का सबसे बेहतर जो तरीका होता है वो होता है क्लास 1 की मार्कशीट। ऐसा हमारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का सेक्शन 94 भी कहता है कि क्लास 1 की मार्कशीट के आधार पे फैसला लिया जाना चाहिए। अब इस मामले में क्लास 1 की मार्कशीट नहीं थी, 5-6 क्लास की मार्कशीट थी। अब 6 क्लास की जो मार्कशीट थी उसके आधार पे प्रधानाध्यापक को बुलाया गया गवाही के लिए। प्रधानाध्यापक महोदय जब गवाही के लिए आए तो उनसे पूछा गया कि ये आप बताइए कि जन्मतिथि का आधार क्या है। तो उन्होंने कहा कि बच्ची ने हमारे स्कूल में जो एडमिशन लिया है वो 6 क्लास में लिया है और हमने जो एडमिशन दिया है वो 5 क्लास की TC के आधार पर एडमिशन दिया है। अब 5 क्लास के TC में ये डेट ऑफ बर्थ लिखी थी इसलिए हमने यही डेट ऑफ बर्थ इसमें रिपीट कर दिया। अब उसमें वास्तव में जो डेट ऑफ बर्थ लिखी थी उस हिसाब से अगर देखा जाए तो लड़की की उम्र 18 साल से कम ही हो रही थी, लेकिन
जब प्रधानाध्यापक से सवाल पूछा गया कि आखिर इस जन्मतिथि का क्या आधार है, तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता है कि ये किस आधार पर लिखी गई है, क्योंकि कोई जन्म प्रमाण पत्र जमा नहीं किया गया है स्कूल में। तो आप देखेंगे कोर्ट ने इसको भी विश्वसनीय नहीं माना आखिरी में। साथ में ही जो पीड़िता है उसके पिता से सवाल पूछा गया कि आपने अपने बच्चे का जब एडमिशन कराया तो आपने जो डेट ऑफ बर्थ लिखवाई वो किस आधार पर लिखवाई, तो उनका कहना था कि हमने अंदाज में लिखवा दिया था और हमें कुछ भी आइडिया नहीं कि हमने किस आधार पर उनका डेट ऑफ बर्थ लिखवाया। तो इस तरह से जब आप देखेंगे कि जो पीड़िता ने जो बयान दिए, उसके माता ने जो बयान दिए, पिता ने जो बयान दिए, स्कूल के प्रिंसिपल ने जो बयान दिए, तो सारे बयान में कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया कोर्ट को। तो कोर्ट ने जब इस मामले का निराकरण किया तो सबसे पहले जैसा हमने आपको बताया कि कोर्ट ने ये पाया कि यहाँ पे ये प्रूफ नहीं हो पा रहा है कि लड़की नाबालिग है। अब मैं आपसे बताऊँ, ये आपको बताना चाहूँगा कि जब भी ऐसा मामला हो जहाँ की आप दोनों का समझौता हो गया है, तो वहाँ पे सबसे पहले तो आपको जो डेट ऑफ बर्थ है उसके बारे में आपको स्टेटमेंट चेंज करने होते हैं कि हाँ ये इस आधार पे ये अगर बयान दिए जाएंगे तो उस आधार पे बचने की संभावना हो जाती है। इसके बाद जो दूसरी, अब पहला जो सवाल था कोर्ट का, उसका जवाब कोर्ट में नेगेटिव, मतलब कि ऐसा स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यहाँ पे लड़की की जो उम्र है वो 18 साल से कम है या 18 साल से ज़्यादा है। अब जो दूसरा सवाल था कि लड़की के साथ क्या इस तरह का अपराध किया गया, तो लड़की ने कहा कि मैं अपनी नानी के यहाँ गई थी और मैं आरोपी को नहीं पहचानती हूँ, मेरा आरोपी से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा करके उसने बयान दिया। उसके पिता से पूछा गया तो पिता का कहना था कि हाँ ये बात सही है कि लड़की मेरी गायब हो गई थी और उस संदर्भ में जब हमने पूछताछ किया तो आसपास वालों ने बताया कि मेरी लड़की उस लड़के के साथ गई है, तो लेकिन जब हमने बात किया तो पता चला कि लड़की नानी के यहाँ गई हुई थी। इस प्रकार से लड़की के पिता का कहना था। लड़की की माता से जब बयान लिए गए तो उसने भी यही कहा कि हाँ उनकी लड़की पता नहीं किसके साथ गई थी, मुझे जानकारी नहीं है, आरोपी को मैं नहीं जानती हूँ, हाँ यह ज़रूर है कि मेरी लड़की के साथ गलत काम हुआ है, उसने ऐसा बोला था इस केस में। तो ये इन लोगों ने स्टेटमेंट दिए कि लड़की के साथ वास्तव में जो रेप का जो चार्ज लगाया गया है वो हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट है वो सारे स्टेटमेंट इस प्रकार से हैं कि उसमें कोई स्पष्ट प्रमाण निकल के नहीं आ रहा कि आखिर क्या हुआ है, वास्तव में घटना क्या थी। मैं आपको बता दूं कि देखिए जो पुलिस जो चार्जशीट पेश करती है, चार्जशीट में भले ही कहानी कुछ भी लिखी रहे, चार्जशीट कोई एविडेंस नहीं होता है। अगर पुलिस ने चार्जशीट पेश कर दिया है और अगर उस जो भी बातें लिखी गई हैं चार्जशीट में अगर उसको कोर्ट में प्रमाणित नहीं किया गया है किसी गवाह के जरिए, या फिर अगर गवाह नहीं है तो किसी ऐसे डॉक्यूमेंट के जरिए जो कि अपने आप में प्रूफ है, तो उस कहानी का खंडन किया जा सकता है। अगर पुलिस कोई ऐसा प्रोसिक्यूशन विटनेस पेश, मतलब अगर प्रोसिक्यूशन ऐसा कोई विटनेस पेश नहीं कर रहा है जो कि स्पष्ट प्रमाण दे रहा है कि ऐसा अपराध हुआ है, तो केवल चार्जशीट में 161 के बयान के आधार पर, FIR के आधार पर, 164 के स्टेटमेंट के आधार पर किसी को दोषी साबित नहीं किया जा सकता है। ऐसा इस मामले में भी हुआ था। तो यहाँ पे कोर्ट ने ये तीन लोगों के बयान के आधार पर पाया कि लड़की और उसके परिवार वालों ने स्पष्टता नहीं बताया कि उसके साथ ये घटना हुई या नहीं हुई। अब इसके बाद बारी थी डॉक्टर्स और DNA टेस्ट की। DNA टेस्ट में ये पाया गया कि इन दोनों के बीच रिलेशन बने हैं क्योंकि वो पॉजिटिव पाया गया था। तो इस संदर्भ में जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि आरोपी के साइड से भी कोई स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया कि आखिर उसका DNA कैसे पॉजिटिव हुआ है। लेकिन अब चूँकि पूरी की पूरी कहानी में जो है तो डाउट हो रहा है और साथ में पूरी कहानी बदल दी गई, इसलिए DNA टेस्ट अगर पॉजिटिव हो भी गया है तो पॉक्सो का मामला भी प्रमाणित नहीं हो पा रहा है। उसकी वजह क्या है, जैसा मैंने आपको सबसे शुरू में बताया कि कोर्ट ने सबसे पहले क्या देखती है कि पॉक्सो का मामला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रमाणित नहीं हो पाया क्योंकि सभी ने बयान बदल दिए। तो अब इनकेस मान लीजिए ऐसा मान भी लिया जाए कि हाँ यहाँ पे ऐसा है कि इसका DNA टेस्ट मैच किया है इन दोनों का, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि नहीं उसके साथ व्यवस्थित किया गया है, क्योंकि अब वो लड़की, अब उस आरोपी के खिलाफ पॉक्सो का जो चार्ज है उसके अंतर्गत उसको दंडित नहीं किया जाएगा। यहाँ पर यह माना जा सकता है कि अगर हुआ भी होगा तो उनकी सहमति से हुआ होगा क्योंकि पॉक्सो का जो मामला है प्रमाणित नहीं हो पाया। तो
तो इस प्रकार से ये फिर डॉक्टर की गवाही होती, डॉक्टर साहब ने कहा कि हाँ ऐसा कोई डेफिनेट ओपिनियन नहीं दिया सकता है कि इनके बीच रिलेशन बने हैं कि नहीं बने हैं। और इस प्रकार से जो पूरी कहानी थी, इस कहानी से ये तय हुआ कि हाँ यहाँ पे जैसा कि गवाहों ने बयान दिया उसके आधार पे यहाँ पे आरोपी के खिलाफ जो धाराएं लगाई गई हैं 363, 366, 376 पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 5(6), तो उसके आधार पर ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि आरोपी इस अपराध के अंतर्गत दोषी है। और कोर्ट ने ऐसा मांगते हुए आरोपी को दोष मुक्त कर दिया, आरोपी को बरी कर दिया। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे इनके बयान कोर्ट में दिए जाते हैं, क्योंकि देखिए क्या है कि ये कोर्ट को ही पता होता है कि हाँ यहाँ पे इनके भी समझौता हो गया है, लेकिन हमारा एक्ट जो है और हमारा जो ये कानून है वो इजाज़त नहीं देता है कि इस तरह के अपराध में समझौता हो पाए। तो अधिकतर मामलों में ऐसा होता है और उसके बाद इस तरह के मामलों में कोर्ट जो है तो आरोपी को बरी कर देती है। धन्यवाद साथियों।